السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی اس بابرکت بارونق اور دلوں کو کھینچنے والی مجلس کے میری مجلس علی جناب جمیل مرسا پوری صاحب ان کی شان میں مستاخی ہوتے ہیں وہ خطیب کوکن کہا جائے وہ امت محلما کے خطیب اور اگر گوشت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی ہمارے جی کہی جائے جناب شبیر صاحب جناب قمر گانگولی صاحب اعجاز احمد صاحب بہت سامنے سوال سے نظر آ رہا ہے یہ سرزمین مبارک کی سعادت ہے کہ آج جشن جمیل یہاں برپا کیا گیا جمیل صاحب ایک عہد ہیں جو کہ عہد کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے زندگی صرف ادب کی آبیاری میں بھی نہیں نسلوں کی آبیاری میں بھی نہیں اور یہ بڑی خوشہ مالی کا کام ہے خاندان میں بہت اونچا بہت مقدر ترابطیں بھی بڑی معتبر بڑی اہم یہ بہت پہلے میر فتح میر نے کہا تھا اس مدرسے میں خطے سامنا مسافر کی زندگی میں جڑیں تلاش کرنا بہت مشکل ہے سب ریلوے کے سفر جانے میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو یا کسی کو پہچانتے جمیل صاحب کے سامنے میں یقیناً چاہوں ایک طالب علم ہوں ایک نوعمر شاید کچھ کمی اور ادب کے نام پر شخصیت کے نام پر لوگ جمع ہو لوگ رہے یہ بات کہی گئی تھی میرا نام لے کر جب مندی تھے وہ آ گئے اسرار آ گئے بات دیتی ہے جی غالب نے بہت پہلے کہا تھا میں بلاتا تھا اس کو مگر ایسے تھوڑے دن کچھ بن جائے کچھ ایسی یہ کیسا نام ہے اس کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے اقبال نے جب سفر کیا ہے افغانستان کا وہاں کی شاہ کی دعوت ہوئے انہوں نے جاتے ہی کہا تھا ماسپے سنا یہ وقت آرام کے میں حکیم سنائی اور خواجہ فرید الدین افطار کی وجہ سے آئے برسوں پہلے صدیوں پہلے دونوں کا
जमील मुर्सा पूरी साहब शौरा के कर्मदान हुए और सबसे बड़ी निशानी उनका इतबार से था। इतबार की जुबान पे उसके फन पे मुख्तलिफ अंदाज से नब किया गया। इतबार को पुख्ता दुकानदार तस्वीर भी किया गया, लेकिन जिन लोगों की निगाह फनी महाजन पर है वो जानते हैं कि अखबार मुकम्मल फनकार है। कोई तस्लीम करे या कोई तस्लीम माने जमीन भरोसा पूरी साहब अब तक यानी 2019 अप्रैल तक जब बाबू सामने आई थी इकबाल की क्षमा रोशन थी। अल्लाह अल्लाह ने सेहत दे, अल्लाह ने तवानाई दे कि ये सिलसिला बंद न हो। देखिए दुनिया की बड़ी कौमें जो गुजरी है या मौजूद है उन्होंने अपने शौरा को और फनकार को याद रखा। ब्रिटेन में अक्सर ये बात कही जाती है हमारा सब छीन लिया जाए लेकिन हमसे शेक्सपियर ने छीना जाए। इस्लाम का अपना एक मखसूस अंदाज रहा है और उस अपने मानने वालों के खास ढंग पे चलाया है, लेकिन इसके बावजूद इन बेवकैद की गुमराहियों को रोजंदाज करते हुए हुजूर का सलाम सलाम है शरीर अरब का आता अरब पर सबसे बढ़ जाए। फतेहस्तान साबित अल्लाह ताला अनहु कि शेरी हैसियत का कोई इंकार नहीं कर सका। ना मसूद जुबियानी की मदीने में औकात के अखाड़े में उन्होंने 40-45 शेर का कसीदा पढ़ा। आपकी जुबान में छत हो गई सेने की अफगानिस्तान ने नाबदा को बहुत गौर से देखा। अब तो मेरी मलकुल शोराय ने ऐलान कर दिया, इशारा किया तो खंसा की तरफ जो ईमान जी कहीं अभी इस्लाम सामने आया नहीं है। हुजूर पाक मौजूद हैं, नौबत मिली नहीं तो खंसा ने हसान के हर मित्र में जो फनी कमजोरी बताई
80 कमजोरियां या 90 कमजोरियां उस स्थान में बताएंगे। ये सुन करके नाबोरा ने कहा संसार से अंत्याक्षर दवा थी लेना, तुम औरतों में बड़ी शायर। मैं कहो वो तो बिल्कुल क्या मर्दों में भी ई बोलवा सच है। जहां फल पे होती है वहां सत्य होने से और जात मिलने से पश्चावासी मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार अपना फन पेश करता है। जमीर साहब के खूबसूरत तौर भी है। मैं लगभग 45-46 साल से इस इलाके में मैंने इन दिनों में किसी का हलीफ नहीं पाया। ये किसी के मुकाबले नहीं आए क्योंकि शोला का ये पुराना मर्द है। मैया के इब्तदाई दौर में जलील समर्थक की बाहमी जब कड़ी शर्त मिलती थी अलग ही छोड़ा है। आगे भी आइए लेकिन मैं बता रहा हूं दुनिया जान मुसलमी और इंशाअल्लाह ऊंचा की गालिब और रौफ की इस तरह से हर दौर में रहा है। आज भी है दलों में शहरों में बस्तियों में लेकिन जमीन साहब इससे मुबर्रा है। और मेरा अच्छा अंदाजा कि शायद मुर्रा की जमीन इससे पाक है। यह इनकी खूबसूरतियां बड़ी है। तीसरी एक बात जमीन साहब के ताल्लुक में आपने भी बता दू इसे किसी और सियाहत में न देखिएगा। अहम शोरा के साथ जिंदगी ने जो रवैया इख्तियार किया है ये उस तनाजुर में भी अपने दरिया में खुले करते हैं। लेकिन दो हजार का सौदा नहीं किया है। जमाना क्या है वो मेरे शार गुनगुनाता रहता है। मैं शेर कह दो जमाना गुनगुनाते रहता है। उस पर भी इल्जाम है कि वो अपने शार बेचा करता था। उसमें इलाम में उसका बाप सड़कों को पानी बेचता था और वो अपने शाम में था। जबकि उसका लतम मुतलबी इसके बारे में तलब पानी के लिए उसे अपना शाम की दुनिया पे लोगों के इख्तियार करनी था। अरे इस बात में आपको बड़ी अजीब बताऊं मुतलबी के ताल्लुक से अरे कोई मौका नहीं है लेकिन हालात शरीर बता दू मेरे ख्याल में आप मुझे कोई नहीं जानता होगा इसलिए आपको पूरा इख्तियार है तरजीह करने का क्योंकि आप लोगों की आदत है कि हम नहीं जानते तो चीज ही नहीं करवाया जाता है तो पहले दिन लोग खाते हैं कि किसी चीज की अदम वाकफियत उसके अदम वजूद की दलील नहीं है। आप नहीं जानते तो वो नहीं है इसने फिर मुतलबी दुनिया की शायरी में दुनिया पहला शख्स है जिसने मलेरिया के ऊपर मुस्तकिल कसीदा करा और इस तरह से मेरे जमाने में मलेरिया आया करता था। मेरे बचपन में बुखार आता है नादा होता है फिर बुखार आता है फिर दवा आती है वो पूरी इसकी कैफियत को उसने इस अंदाज से ढाला है। वह कि मलेरिया नहीं है वो है महबूबा है जो अपने आशिक से मिलने आ सके और आती है कि वो पूरा उसे पूरा बैकअप करना है। ये
ये फोन पर था, ये फोन के मुंतहा पे जो फोन जाते ऐसी चीजें हो गई थी, और सही था ये चीजें हमने कहीं देखी थी। अगर वो आप बताएं मेरे इन में जा पाऊंगा मैं राम राम लोग बेचैन हो रहे हैं। मैंने जिक्र कर दी है और जमीन साहब खुद जाती तौर पर उन लोगों ने इंजेक्शन का मुताला ये हमसे बड़ी गलती होती है, बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं इस कमजोरी को इसलिए कमजोरी नहीं कहूंगा कि चाहे जब वो आपसे देखा होगा जोश की सामान्य यादों की बरात उसने जो नृत्य कही है अपनी बीवी के ऊपर याद आ गया है मेरे बाप की रंजीद और नाशाद पर नीचे लिखा है कि ये नग्न नामो कम्मल इसलिए है अभी मेरी बीवी बाहर आ गई। जब तक संस्कार मौजूद है जिंदगी के आखिरी जिंदगी में शेर भूल गया हूँ। हमारे एक लोग साथ पीने वाले थे नदीम साहब भी जानते हैं माले गांव के अमीन सिद्दीकी साहब अमीन साहब हॉस्पिटलाइज थे मैं उनको देखने गया था असराम साहब से काम में जब आने लगे फिर गए तो बहुत खुश थे दिलकार परेशान थे तो अगर मैं एक शेर सुन तो उनके दिमाग से निकला हुआ आखिरी शेर था जो पति थे जो मैंने नोट किया ना उसको आप याद रखा उसके बाद कही कि आखिरी कलमात भी बोल गए अरबी अदब के ये 20वीं सदी में अब्बास नामुल अकाब बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है बहुत बड़ी यानी बात है तो उसे डॉक्टर कहाँ पर बड़ी चलती थी जब उसका इंतजार हुआ है तो उसके गरीबी लोगों ने खिदमत के लिए रखे हम लोग लेकिन दुनिया की अजीब अपने मुताले पे अपनी तदरीज पे जितना अहम होता है रिटायर कर बिल्कुल ऐसे जब फल कम जाता है तो नीचे गिर जाता है लेकिन मैं जब पक्के मुझे फल का जायका भी बड़ा अजीब होता है शाम को अब जो ये शाम गजल 10 साल का लड़का भी कहता है और गजल 80 साल का बूढ़ा भी कहता है दोनों की गजलों में फर्क होता है। एक जगह नाजी होती है एक जगह बकवास होती है यहाँ फंस कोई जानना नहीं होता कहता है तो नहीं में रावट वो फर्ज होता है। अल्लाह ताला आपकी मर्जी उसको सबको खुश रखे अल्लाह आमीन की जानिब से हमारे चाचा जनाब जमील मुर्स्सा पुरी साहब को खराज तहसीन मोहब्बत भरा नजराना ये गुलों का तोहफा
ये प्यार भरी भेंट जो आपने यहाँ आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उर्दू से मोहब्बत का इजहार किया, अदब से मोहब्बत का इजहार किया जनाब जमीन मुरस्सा पूरी साहब से, बहुत खूब बहुत खूब। ये है हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का, आपके चले आने का। फॉरम आपका खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। अब मैं चाहूंगा चाचा जमील साहब अपने हाथों से साथ सर असदुल्ला सर का, असदुल्ला सर, जनाब असदुल्ला साहब स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल, मेरे बिरादर मोहतरम फॉरम को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाई हुई शख्सियत हमारे बिरादर मोहतरम डॉक्टर असदुल्ला खान साहब के हाथों हमारे एमएलए जनाब जीतन अवार्ड साहब की खिदमत में जुलूस और मोहब्बत भरा तोहफा। ये एहतराम मोहब्बत है कम नहीं होगा, ये एहतराम मोहब्बत है कम नहीं होगा, हमारे खून में शामिल है, क्या किया जाए। क्या बात, क्या कहेंगे सर आपकी आमद जश्न जमीन में, वाकई चार चांद लगा दी सेक्युलरिज्म के सिपाही। वाह साहब क्या जुमला है, कॉमरेड साहब वाह क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे साहब। आवाज साहब को जमीन मुरस्सा पूरी साहब दर्द मैन ऑफ द डे जमीन मुरस्सा पूरी साहब की खिदमत में लेके तोहफा चले आ रहा है, एमएलए साहब के खिदमत में ये तोहफा दिलों का तोहफा, क्या कहने। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका और आपके आ जाने का, यानी हम खाक नशीनों में चले आने का, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जमीन शमसी साहब, अली एम शमसी साहब से मुलाकात के घर से ही आए, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपने